नमस्कार, झारखंड टीवी में आपका स्वागत है। रेल नगरी गोमो के लोको कॉलोनी को नवकेतन क्लब के मेंबरों द्वारा साफ सफाई किया गया। रेल लोको कॉलोनी गोमो में गंदगी का अंबार को देखते हुए अब क्लब के नौजवानों ने ठाना है कि अब हम लोग आपस में मिलजुल कर ही इन कॉलोनियों की गंदगी की साफ सफाई करेंगे। आज सफाई अभियान का तीसरा दिन है। नवकेतन क्लब के संयोजक विद्यानंद यादव ने कहा कि कॉलोनी में कूड़ा कचरा एवं जंगल का भरमार लगा हुआ है। लोग कोरोना बीमारी से ऐसे ही परेशान हैं, इसी को देखते हुए हम लोगों ने खुद ही साफ सफाई करने का फैसला लिया और सफाई अभियान में जुट गए हैं। कॉलोनी की महिलाएं भी हम लोगों को सहयोग कर रही हैं। कॉलोनी की साफ सफाई की जानकारी मिलने पर रेलवे के हेल्थ इंस्पेक्टर ने 2 लेबर दिए हैं, साथ ही हर संभव मदद देने का भरोसा भी जताया है। वहीं रेल कॉलोनी में रहने वाली कई महिलाओं ने बताया कि रेलवे द्वारा 15 दिनों में एक बार सिर्फ नाली की सफाई की जाती है, कूड़ा को नहीं उठाया जाता है। कूड़ा से काफ़ी बदबू निकलती है और लोगों के घरों तक पहुंच जाती है। पानी भी 2-4 दिन बाद आता है, बिजली की भी समस्या है, पानी गंदा आ रहा है। आखिर लोग बाहर के चापा नल से कितना पानी भरेंगे? पिछले 4 महीना से कूड़ा कचरा नहीं उठाया गया है। अब हम इन रेल कॉलोनी की सभी महिलाएं क्लब के युवकों के साथ मिलकर साफ सफाई में उनका साथ देंगे। साफ सफाई अभियान में विद्यानंद यादव, फिरोज खान, मनोज कुमार महतो, वार्ड सदस्य वरुण दत्ता, नुमान खान, दीपक पासवान झगड़ू सहित कॉलोनी की महिलाएं शामिल हैं। तरफ से सफाई नहीं होता है, गंदगी है। हम लोग अपना तरफ से अपना पानी गंदा दे रहा है, जो कुछ कहने का नहीं, जो आदमी कुछ नहीं कर पा रहा है, इतना पानी गंदा है। 2 दिन से पानी भी नहीं खुला है, पानी नहीं खुला है, पानी खुलने का कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है। अगर हम लोगों को कहीं बाहर जाना रहता है तो पानी का वेट में ही लेट हो जाएगा। कहाँ पानी मिलेगा? कभी 6 बजे सुबह खुलेगा, कभी 5 बजे, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी दोपहर को 2 बजे। पानी भरे भरे तो हाथ में दर्द, बिजली का तो वही हाल बात, बिजली आवा तो 2 दिन पर, 3 दिन पर, ठीक है। मोटर खराब हो तो पहले जिस दिन खराब हो उस दिन आपको बोल सकते हैं। जो पानी मोटर खराब हो गया तो उसके बाद आदमी 2 दिन का पानी, 2 दिन पानी हो गया। रनिंग स्टाफ लोग कब ड्यूटी जाएंगे, कब क्या करेंगे, कुछ तो समझ में है। अपने से हम लोग ऐसा क्लब के कुल हारा तरह से बाहर तरह से जंगल काटा तरह से ये हो रेल के लिए खेलो को घर में साफ सुथरा करवा हुआ मोरी मोहल्ला में हो गया है। वाला वो भी बुरी तरह से अच्छा कर क्वार्टर उसको तोड़ रहा है, जो कचरा है उसको दिखाई नहीं दे रहा है। रेल हम लोग अपना फुल पैसा देकर साफ सफाई करवाते हैं, रेल तरफ से साफ सफाई नहीं होता है। नाली का कचरा भी साइड में वहाँ रख ही देता है। 3-4 महीने से तो कूड़ा उठल नहीं है। आपका कॉलोनी का साफ सफाई जो किया है यहाँ के क्लब के लोगों ने, क्या खुश है? पहले क्या प्रॉब्लम था? बहुत इतना जंगल था, झाड़ी था, जो आदमी जाने आने का बहुत दिक्कत होता था। और साफ बीछा तो डेली हम लोग मारते थे, और सुअर कुत्ता बिल्ली एकदम इतना गंदा कर देता था जो हम लोग महक से रहने नहीं सकते थे। उसके बाद अभी सब क्लब का लगता लोग सब मिल के सब सहायता हम लोग को कर रहा, हम लोग भी उसमें हैं, मदद कर रहे हैं। हम लोग सबको मिल के मदद कर रहे हैं। द्वारा साफ सफाई नहीं किया जा रहा था, रेल का था उनको 15 दिन का 1 महीना के बाद आता था नाली साफ करने के लिए। पूरा कचरा जो जमा सब जमा करके दुआनी में सब फेंक के चल जाता था, बोलने से चार को बोलता था, इसीलिए हम लोग कुछ नहीं बोलते थे। हाँ, इसीलिए हम लोग सब लड़का लोग लड़का लड़का लोग हम लोग सब मदद करके अभी साफ करना शुरू हो गया। पानी का पानी तो 2 दिन का बाद 4 दिन का बाद आता है, लाइन तो रहता ही नहीं आता जाता। हाँ बताइए, कौन सा अभियान आप लोग किए हैं आज? हम सब नौजवान नवकेतन क्लब लोको कॉलोनी के मेंबर हैं। कॉलोनी में बरसात में बहुत ज़्यादा झाड़ी हो गया था और बहुत कूड़ा कचरा जमा हो गया था। रेलवे के द्वारा जो सफाई का गाड़ी चलता था अभी कुछ दिनों से टेंडर नहीं हुआ है, जिसके कारण कॉलोनी में बहुत ज़्यादा कचरा जमा हो गया था और बहुत काफ़ी झाड़ी भी हो गया था। हम लोगों ने रेलवे के जो सफाई अधिकारी हैं डी घोष जी, उनसे बात किए हैं
उन्होंने दो स्टाफ दिया और हम लोगों ने दो अपने तरफ से कर्मचारी लेबर रख कर हम लोगों ने सफाई शुरू करवाया है ताकि पूरा कॉलोनी सफा हो और ये कोरोना बीमारी से बचा जा सके और नियमित रूप से सफाई हो। इसलिए हम नवकेतन क्लब के नौजवानों ने ये पहल किया है और इसमें आश्वासन मिला है घोष जी का, सफाई कर्मचारी जो इंस्पेक्टर हैं घोष जी, उनका आश्वासन मिला कि हम साथ देंगे। इसलिए हम लोग इस अभियान को और भी आगे लेके चलेंगे जहाँ तक सकेंगे। अब अपना परिचय दें। मेरा नाम विद्यानंद यादव, समाज का काम करते हैं, नवकेतन क्लब के मेंबर हैं, नौजवानों का साथ है मेरे साथ। थैंक यू सर। आप बताइए कौन सा अभियान आप लोग चलाए यहाँ पर? नवकेतन क्लब मेंबर द्वारा और हमारे सहयोगी साथी द्वारा हम लोग रेलवे कॉलोनी लोगो कॉलोनी से काम को शुरू किए हैं और हम लोग का ऐसा संभव प्रयास रहेगा कि पूरा गोमो को साफ कर सके। अगर मेरा साथ मिला तो यहाँ के जनता का साथ और यहाँ के सफाई विभाग के अधिकारी का साथ मिला तो। सफाई विभाग के अधिकारी डी घोष भी हमें आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ रहेंगे और अभी दो लेबर हम लोग को दे दिए थे जिससे हम लोग कॉलोनी का सफाई को उसकी शुरुआत किए हैं। हम लोग अपने तरफ से भी पैसा लगा करके दो लेबर रख कर साथ में सफाई अभियान चलाया है और यहाँ की जनता बहुत खुश है और हम लोग को भी बहुत ही आनंद आ रहा है कि हम लोग इस काम करते हैं सक्षम हो और हम लोग ऐसा लग रहा है कि हम लोग कुछ देश के लिए कर रहे हैं, कुछ समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, ऐसा प्रयास होते रहे। आपका नाम? मोहम्मद फिरोज खान। हाँ बताइए क्या कौन सा अभियान आप लोग चलाए हैं कॉलोनी में? हमारा गत दो दिन ठीक है लोको कॉलोनी ठीक है सफाई अभियान शुरू करेछि। अनेक मैला जंगल झाड़ हो गेछिलो ताते सुअर साँप बिछा प्राय बेरोच्छिलो अनेक गंदगी फैलिए रेखेछिलो। এটা আমরা এখান থেকে শুরু করেছি নকেতন ক্লাব দ্বারা, আমরা সব মেম্বার মিলে এই অভিযান চালু করেছি। এতে আমাদের ডি ঘোষ যিনি সফাই অভিযন্তা এখানকার রেলওয়ের, উনি আমাদেরও সাপোর্ট করছেন। আমরা ভাবছি এটাকে আরও আগে আমরা বাড়াতে পারি পুরো ঘুমো সাফাই। তো আপনি সাফ সাফাই কিয়ে হ্যাঁ? হ্যাঁ, দু দিন সে আমরা শুরু কিয়ে। আচ্ছা আচ্ছা, দু দিন সে সাফাই লোক কলোনি সে শুরু কিয়ে, আগে দিয়ে আমরা ঘুমোতেই পুরো অভিযান চালাবো। আমার নাম বরুণ কুমার দত্ত, সমাজসেবী, নকেতন ক্লাব মেম্বার। ইয়ে কাম দেখ কর হমকো বহুত খুশি হো রহা হ্যাঁ কি হমারে লোগো কলোনি সাফ হো রহা হ্যাঁ আর হম গোমো উত্তর কে ওয়ার্ড সদস্য হ্যাঁ হ্যাঁ মনোজ কুমার মাহাতো। চলিয়ে ঠিক, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ বতাইয়ে আজ কোন সা অভিযান চলা আপ লোগ কা? স্বচ্ছ অভিযান চল রহা হ্যায় হমারে গোমো নকেতন ক্লাব কে তরফ সে। नौजवानों ने बीड़ा उठाया है, दो दिन से लगातार अथक प्रयास कर करके साफ़ सफाई का काम में लगे हुए हैं। इसमें साथ हमारे लोगों कॉलोनी के महिलाएं, बच्चे सब सम्मिलित हैं और